Hello friends, welcome to LSOIT. Today we will learn how to write a simple C program and also learn compilation and execution of C program. चलिए start करते हैं एक simple से C program से, लेकिन उससे पहले हम C program के कुछ rules पढ़ेंगे. Rules for C program. First rule है, हर instructions को अलग अलग लिखा जाएगा, किसी भी दो instructions को combine करके नहीं लिखेंगे. Second rule है, blank spaces insert कर सकते हैं दो words के बीच में. Third, सभी स्टेटमेंट स्मॉल केस लेटर्स में ही लिखी जाएंगी. फोर्थ, स्टेटमेंट की पोजीशन के लिए कोई भी स्पेसिफिक रूल नहीं है, हम कहीं भी कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं. फिफ्थ एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हर स्टेटमेंट स्टेटमेंट टर्मिनेटर से ही खत्म होगी, जो कि एक सेमीकॉलन है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम सी प्रोग्राम के बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसे हम सिंटैक्स बोलते हैं. हम यहाँ पे एक सिंटैक्स में देख रहे हैं, फर्स्ट लाइन में इंक्लूड stdio.h लिखा हुआ है, सेकेंड लाइन void main, थर्ड लाइन में कर्ली ब्रेसेस है, सेकेंड लाइन में स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, इस तरीके से बॉडी ऑफ द प्रोग्राम दे रखा है. उसके बाद हमने अपने प्रोग्राम को कर्ली ब्रेसेस से क्लोज किया है. ये हमारा एक सिंटैक्स है किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए. चलिए इस सिंटैक्स को समझते हैं. हैश इंक्लूड, इंक्लूड डायरेक्टरी का मतलब है, यह प्री प्रोसेस को बताता है जो एंगल ब्रेसेस में फाइल दी हुई है stdio.h, उसे डायरेक्टरी में देखे और उसके कंटेंट प्रोग्राम में प्रोवाइड कराए. अब हम यहां देख रहे हैं void main, main function का काम है ये सारी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाता है. जो भी हमने इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट्स लिखी हैं, वो इस मेन फंक्शन में ही रन होती हैं. मेन हमारी सारी स्टेटमेंट को कलेक्टिव किए हुए होता है और सबसे पहले यह फंक्शन ही कॉल होता है. void, हर स्टेटमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न होती है, बट हम चाहते हैं हमारा मेन फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे, उसके लिए हम void फंक्शन यूज करेंगे. अब हम देखते हैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री लिखी है. ये हमारा बॉडी ऑफ द प्रोग्राम है, इसमें हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं, लाइक एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिविजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. चलिए आगे बढ़ते हैं. प्रिंट एफ, दिस फंक्शन इज यूज फॉर डिस्प्ले अ वैल्यू ऑन द स्क्रीन. प्रिंट एफ फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं कि हम अपनी वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करा सके. स्कैन एफ, ये फंक्शन यूजर से वैल्यू मांगने के लिए काम आता है, हम यूजर से वैल्यू मांगते हैं इस फंक्शन के थ्रू. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हमने एक प्रोग्राम लिख लिया है, अब लेकिन हमें इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड एग्जीक्यूट कराना है. पहले हम उससे पहले देख ले कंपाइलर, कंपाइलेशन और एग्जीक्यूटिंग में क्या डिफरेंस है. कंपाइलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि ह्यूमन रीडेबल सोर्स कोड को मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करता है. कंपाइलेशन, द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग सोर्स कोड इनटू मशीन कोड इज कॉल्ड कंपाइलेशन. एंड कंपाइलिंग मीन्स चेकिंग फॉर अ एरर इन द सोर्स कोड इफ देयर एग्जिस्ट एनी एरर. Executing means running the compiled program that is free from error, without a single error. चलिए आगे देखते हैं. मार्केट में सी कंपाइलर काफी टाइप के मिलते हैं, देखते हैं कौन से मिलते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाइलर, कंपाइलर विंडोज प्रोवाइड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट विच कंसिस्ट ऑफ कंपाइलर एज वेल एज एडिटर. एडिटर वो होता है जिसमें हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं. There are several such IDEs available in the market targeted toward the different operating systems. Different operating system के लिए different compiler use होते हैं, जैसे कि देखते हैं हम Turbo C, Turbo C++, Microsoft C works under MS-DOS. MS-DOS में Turbo C, Turbo C++, Microsoft C work करता है. And Windows में Visual C++, Borland C++ work करता है. और GCC work करता है Linux में. Working with Turbo C++, steps are as follows. Install Turbo C++ compiler. जब हमारा Turbo C++ compiler install हो जाए, तब हम tc.exe file खोलेंगे, जिसकी bin directory में जाएंगे. तब एक screen आपको दिखेगी. उस screen में file menu पे जाकर new पर click करेंगे. उसके बाद हम अपना program बनाना start करेंगे. अब हम अपने लिखे हुए प्रोग्राम को सेव करेंगे बाय F2 और उसे कंपाइल करेंगे Alt F9 से और एग्जीक्यूट करेंगे Control F9 से.
चलिए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं और इस एग्जांपल से हम दो नंबर को ऐड करना सीखते हैं, साथ ही void main, printf, scanf, addition operators and type declaration etc. यूज भी करना देखते हैं। हमने अपने इस प्रोग्राम में स्टार्टिंग में दो हेडर फाइल यूज की हैं, include stdio.h एंड include conio.h, ये दोनों ही एक हेडर फाइल्स हैं। कंपाइलर में इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है, उसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं लाइक printf, scanf etc. जिसका यूज हमें प्रोग्राम में करना पड़ता है और ये फंक्शंस हम इंक्लूड की हेल्प से लाइब्रेरी से अपने प्रोग्राम में यूज कर पाते हैं। इन हेडर फाइल्स को हम प्रोग्राम के टॉप में इसलिए लिखते हैं ताकि इन फाइल्स में जो भी फंक्शंस हैं हम अपने प्रोग्राम में यूज कर पाए। अगर हम इसे टॉप में नहीं लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम एरर शो करेगा और फिर यह प्रोग्राम रन नहीं कर पाएगा। हमें अपने प्रोग्राम को रन कराने के लिए यह हेडर फाइल्स टॉप में ही लिखनी होंगी। चलिए आगे देखते हैं, void main, main हमारा main फंक्शन है जिसमें हम अपने प्रोग्राम को डिफाइन करते हैं। देखिए यहाँ पे int d is equal to 5, d एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप int है, e एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप int है, re इसका डेटा टाइप int है। हमने यहाँ पे d एंड e की वैल्यू प्री डिफाइंड कर दी है जिसकी वैल्यू d is equal to 5, e is equal to 5 है। हमने यहाँ पे कमेंट यूज किया है, कमेंट इस तरीके से डिक्लेयर किए जाते हैं, ये प्रोग्राम कंसीडर नहीं करता और प्रोग्राम कोई एरर शो नहीं करता। अब यहाँ पे देखिए int a b c, ये दूसरी तरीके से डेटा टाइप को डिक्लेयर करने का तरीका है। हमने यहाँ पे दोनों तरीके से दिखाया है कि किस तरीके से हम डेटा टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लाइन बाय लाइन डिफाइन किया है, यहाँ पे हमने एक ही लाइन में तीन वेरिएबल डिफाइन कर दिए हैं। क्लियर स्क्रीन, ये फंक्शन आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज होता है। जब भी हम अपना प्रोग्राम रन कराते हैं प्रीवियसली जो भी आउटपुट होता है वो हमें शो करने लगता है, लेकिन क्लियर स्क्रीन यूज करने से हमें वो प्रीवियस आउटपुट नहीं दिखेगा, हमारी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर दिखेगी, इसलिए हमने इसे क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज किया है। अब चलिए देखते हैं, हमने यहाँ पे दो फंक्शंस डिफाइन किए हैं जिसमें पहले में हमने खुद ही अपनी वैल्यूज डिफाइन की हैं और दूसरे वाले फंक्शन में हमने यूजर से पूछा है कि वो अपनी वैल्यूज डाले और हम उस दोस्त नंबर को ऐड करें। अब देखते हैं, हमने यहाँ पे re is equal to d plus e, यहाँ पे हमने दो ऑपरेटर यूज किए हैं, एक एडिशन का और एक असाइनमेंट ऑपरेटर का। इस असाइनमेंट ऑपरेटर का काम यह होता है कि हमने d plus e की जो वैल्यू ऐड करके आए वो हम re में ट्रांसफर कर दें। re एक वेरिएबल है जो कि हमने यहाँ पे int टाइप का है, जो भी इंटीजर वैल्यू आएगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी। अब देखिए d जो कि हमने यहाँ पे 5 डिफाइन किया है, e जो कि हमने 5 डिफाइन किया है, इन दोनों को ऐड करके जिसका आउटपुट 10 आएगा वो re में स्टोर हो जाएगा। अब प्रिंट f को डिफाइन करने का तरीका कुछ इस तरीके से है, ब्रैकेट्स, क्लोजिंग ऑफ ब्रैकेट्स, यहाँ पे हमने कोलोन्स यूज किए हैं, रिजल्ट कोलोन परसेंटाइल डी, ये आर ई की जो वैल्यू है उसे शो करेगा, एंड एन ये न्यू लाइन में आउटपुट शो करेगा, कॉमा आर ई जिसे हमें आउटपुट प्रिंट कराने हमने वो वेरिएबल डाला, और यहाँ पे सेमी कॉलन जो कि एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। ये हमारा एक प्रोग्राम खत्म हो गया। अब देखते हैं हमने जो यूजर से नंबर मांगा है उसे किस तरह से डिफाइन करेंगे। प्रिंट एफ एंटर टू नंबर फॉर एडिशन, यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगी जो कि यूजर से पूछ रहा है कि दो नंबर्स ऐड करने के लिए। स्कैन एफ जो कि यूजर से दो नंबर मांगेगा उसे कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, एम्पेसेंट ए एम्पेसेंट बी, इसमें हम जो यूजर दो नंबर देगा वो इनमें स्टोर होगा और वो परसेंटाइल डी से रिप्रेजेंट होगा। अब देखिए, अब जो यूजर ने नंबर दिए हैं ए एंड बी के वो दोनों ऐड होंगे और सी वेरिएबल में चले जाएंगे।
अब उसी तरीके से जैसे कि हमने प्रीवियसली किया था किसी नंबर को प्रिंट कराने के लिए, अब देखिए हम सी को प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम इसे इस तरह से डिफाइन करेंगे, प्रिंट एफ, यहां पे हम सी वेरिएबल को प्रिंट करा रहे हैं, सी जो कि ये है, हमने प्रिंट एफ को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है, आउटपुट ऑफ यूजर डिफाइन टू नंबर, जो यूजर ने दो नंबर डिफाइन किए हैं उनका आउटपुट, उनको ऐड करके उनका आउटपुट सी में स्टोर हो जाएगा और सी वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा, गेट सी एच एंड क्लोजिंग ऑफ ब्रैकेट्स, मेन फंक्शन को क्लोज करना जरूरी है अदरवाइज आउटपुट नहीं शो होगा, एरर शो हो जाएगा। अब हम इसे रन करते हैं, हम कंपाइल पे जाएंगे, पहले कंपाइल में ऑल्ट एफ नाइन भी दबा सकते हैं, ये कि हमारा प्रोग्राम कह रहा है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेस है, कोई एरर नहीं है, सक्सेस प्रेस एनी की, ये कह रहा है कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सक्सेस है, कोई एरर नहीं है, एरर फ्री है। चलिए हम की प्रेस करते हैं, अब हम इसे रन करते हैं, देखिए यहां पे आउटपुट स्क्रीन आ चुकी है, रिजल्ट 10, जो कि हमारा प्रीवियस वाला, जो कि हमने यूजर डिफाइंड नहीं थे नंबर, जो कि हमने खुद ही डिफाइन किए थे, उनका आउटपुट कुछ इस तरीके से है, रिजल्ट इज इक्वल टू 10। अब यूजर दो नंबर पूछ रहा है जो कि हमने दूसरी स्टेटमेंट में लिखा था, प्रिंट एंटर टू नंबर फॉर एडिशंस, एंटर टू नंबर फॉर एडिशंस, हमने सपोज कीजिए हमने 3 किया एंड अनदर नंबर 3 किया, अब हमारा आउटपुट 6 होना चाहिए, देखते हैं कि हमारा आउटपुट 6 आता है या नहीं, देखिए आउटपुट ऑफ यूजर डिफाइंड टू नंबर इज 6, अब हमारा आउटपुट भी 6 आ चुका है, तो इसका मतलब हमारे दोनों तरीके से डिक्लेरेशंस सही है, हमने यहाँ पे यूजर डिफाइंड एंड खुद से ही डिफाइन करके दो नंबर्स को ऐड किया है। इस तरह से हम कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं, आज हमने बेसिक प्रोग्राम बनाना सीखा जिसमें हमने हेडर फाइल्स, स्कैन एफ, प्रिंट एफ, न्यू लाइन, कमेंट, ऑपरेटर सबका यूज करना सीखा। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ नए एग्जाम्पल्स के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।